एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ अभी शाम के 6 बजे से, और आज हम लोग जा रहे हैं कुमाऊं महोत्सव में। तो मैं तो रेडी हो गई हूँ, और निशु, रवि, संतोष सभी रेडी हुए हैं। अभी चलते हैं। हम चारों लोग जा रहे हैं आज, और आज हमने सोचा कि हम लोग रात वाले प्रोग्राम भी देख के आएंगे करके, तो देखते हैं क्या होता है। कोई बात नहीं ना, गाइस देखो कितना क्यूट सा डॉगी है, लेकिन ये बहुत कमजोर डॉगी है। चलो आगे को ले चल। नहीं चल, रख नीचे, वहां से बहुत डॉगी आ रहे हैं, उसको काटेंगे। गाइस देखो कितना क्यूट सा डॉगी है ये, मिले भी नहीं पाएगा, वो दांत ही नहीं उसके। दिखा नहीं है अभी, कहां आते हैं दांत, मैंने बहुत पाल लिए। ई करो, दांत है आपके, ई करो, ई करवाएगा तू। और तो फिर वहां रख दो, कान में छोड़ दो, इतना छोटा नहीं। निशु इसको भी मेले में ले चल, इसका एक फोटो खींच दे मेरी। ये निशु ने डॉगी को यहां पे रख दिया। लो वो कहाँ गया, संतोष तो बहुत आगे पहुँच गया है। तो गाइस ये ना अल्मोड़ा फर्स्ट टाइम आ रहा है, और फर्स्ट टाइम अल्मोड़ा का मेला देख रहा है ना। थोड़ा थोड़ा शर्मा भी रहा है कैमरे में आने से, है ना। तो गाइस हम लोग ना धारनोला पहुँच ही गए बस, लेकिन हम लोग यहाँ से रोड बाय रोड नहीं जाके, हमेशा की तरह जा रहे हैं यहाँ के रास्ते। तो गाइस हम लोग ना धारनोला वाले रास्ते नहीं गए, अभी हम लोग यहाँ के रास्ते जा रहे हैं। और मामी आप देख रहे होंगे मेरा ये ब्लॉग, तो ये देखो इसको, ये हमारा कहना नहीं मान रहा है। तो गाइस मार्केट में तो हम लोग पहुँचने वाले हैं, लेकिन अभी प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुए होंगे, वो शायद 7:30 या 8:30 से होंगे। तो अभी हमारा प्लान है कि हम लोग जाएंगे RCM मॉल। तो आज हम संतोष को लेके जाएंगे कहाँ, मॉल में। तो गाइस आज हम लोग जाएंगे RCM मॉल है यहाँ। जैसे वहाँ कब रहता है, तुम्हारे वहाँ कब रहता है, हमारे यहाँ संडे को बंद रहता है। अब ऊपर नहीं आ रहे। ये है अल्मोड़ा की बावन सीढ़ी, और हम लोग जा रहे हैं बावन सीढ़ी से। और आज ना अच्छा लग रहा है क्योंकि मार्केट थोड़ा खाली खाली सी है। गाइस मुझे लगा आज संडे है, तो गाइस संडे के दिन इतनी भीड़ में आज फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। तो गाइस हम लोग पहुंच गए चौहान पर, और ना हम लोग यहाँ पे कर रहे थे ऑटो का वेट, लेकिन हमें ऑटो नहीं मिला, तो इस वजह से अब हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। तो गाइस कुमाऊं महोत्सव का जो मेन गेट है ना, वहाँ पे हम लोग पहुंच गए, लेकिन अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें तो रात के प्रोग्राम देखने हैं ना, तो इस वजह से। तो अभी हम लोग यहाँ से सीधे सीधे आगे को जाएंगे, क्योंकि हमें जाना है RCM मॉल। तो बहुत सारी भीड़ लगी है यहाँ पे, आने वालों की भी और जाने वालों की भी। तो गाइज अब यहाँ से फिर से प्लान एक चेंज हुआ है, ये जो रोड है ना, यहाँ से सीधा आगे को RCM आ जाता है शॉर्टकट, लेकिन रवि हमें लेके जा रहा है यहाँ लॉन्ग रास्ते से। लेकिन यहाँ को ना फोटोज अच्छी आती है, कैंटीरिया साइड है। आगे आगे चल रहे हैं, और अभी हम लोग पहुँच गए हैं इस फील्ड में। तेरी बहन ने ड्रिल कर लिया है। हाँ। अच्छा तो ये NCC वाला तो ये NCC वाला ग्राउंड है ये, और वहाँ पे ना कुत्ते खेल रहे हैं मस्त मजे से बॉटल के साथ। तो अभी चलो ऊपर को। तो गाइस हम लोग थोड़ा लॉन्ग रास्ते से आ रहे हैं, यहाँ से भी हम लोग RCM मॉल ही जाएंगे। अच्छे से आ नहीं रही है, बट कैमरे में नहीं आ रही अच्छे से दिखना, जितना अंधेरा हो रहा है ना उससे ज्यादा अंधेरा मेरे फोन में हो रहा है। इसने हमें गलत रास्ते लेके आया है ये लड़का, देख सकते हो। और अब हमें यहाँ से क्या बोलते हैं, एंजॉयमेंट भी करना चाहिए, एंजॉयमेंट नहीं है, सच में भूल गया था। ये निशु का फिर से फोटोशूट होता हुआ, पहले ही बहुत ज्यादा लेट हो गया, और ये हमारे फोटोग्राफर, और मेरे कैमरे पे लाइट अच्छी नहीं आ रही, तो मैं
तो गाइस यहाँ पे ना लाइट जली है तो इस वजह से मैं यहाँ पे ब्लॉग बना रही हूँ, और निश्चित देखो यहाँ पे फोटोज खींचने लगी है फिर से, और ये लोग इतनी देर कर रहे हैं ना बहुत ज्यादा। हमेशा जल्दीबाजी में नहीं रहना चाहिए, देखो आप पीछे जल्दीबाजी में रहना चाहिए क्योंकि अभी पहले हमें मॉल जाना है, उसके बाद फिर हम लोग गए 6 बजे हम लोग निकले थे घर से और अभी 7 बजने वाले हैं, और अभी तक हम लोग ना ही हम RCM मॉल पहुंचे हैं और ना ही हम मेले में पहुंचे, और इन लोग की फोटोज खत्म नहीं हो रही है। ये देखो जरा, ओए जल्दी आ जाओ यार, जिस रस्ते में इतने सारे बंदर हैं, और अगर हमें बंदरों ने काट दिया तो वहाँ इतने सारे बंदर है गाइस जो कि मेरे कैमरे में नहीं दिख रहे लेकिन है, और लड़ाई भी कर रहे हैं बहुत सारे बंदर, मतलब दीदी विजिबल हो गए। और इस रास्ते से ना मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, यहाँ नहीं आई हूँ मैं कभी भी, मतलब गाइस ये इतनी सही लग रहा है, ये बहुत मस्त लग रहा है, कितना मस्त लग रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है कि क्या है, तो देखते हैं नीचे जाके कि ये क्या है करके। तो गाइस RCM मॉल हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, तो चलते हैं। ऊपर ऊपर इस साइड को, तो गाइस इस साइड को मैं आज फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, गाइस हम लोग ना अभी सेकंड फ्लोर में थे और यहाँ पे ना इतनी मस्त फोटोज, तो गाइस हम लोग आ गए हैं यहाँ पे इसके RCM मॉल के छत पे, वाव यहाँ पे कितना मस्त व्यू है, वाव यहाँ से आप देख सकते हैं अल्मोड़े का व्यू कितना मस्त लग रहा है रात का, और यहाँ पे ना इतनी मस्त हवा चल रही है एकदम ही, और बहुत से लोग यहाँ पे बैठने के लिए भी आ रखे हैं जो कि उधर साइड को बैठे हैं। और तो गाइस अब हम जा रहे हैं कुमाऊं महोत्सव में, तो चलते हैं और आपको भी दिखाती हूँ वहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम हो रहे करके, तो उस समय तो चलो, और इतनी मस्त हवा चल रही है ना अभी ऐसे। तो गाइस RCM मॉल से हम लोग निकले अब कुमाऊं महोत्सव की तरफ, हाँ बिल्कुल सैड सॉन्ग हमारी एंट्री पे, तुझे बोलने से पहले मेरी जान चली जा, ठीक है ठीक है, सैड गाने से एंट्री हुई है हमारी। चल वहाँ पे बैठे,
गिटार वापस करके आओ पहले जाओ। और वहाँ पे गेम्स भी चल रहे हैं। चले चलो चले वहाँ पे ठीक रहता है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट कौन आता है। क्या चल रहा है? एकदम मस्त लग रहा है बच्चों का। एक्चुअली वही तो बेचारा थक गया है। गाइस अभी हम लोग बैठ गए यहाँ पे और बहुत से लोग बैठे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। ये क्या हो रहा है? मतलब आ रहे की करके और यहाँ पे प्रोग्राम चल रहे हैं करके आ रहे क्या होता है? हाँ ठीक है। ओ मैं बता रहा था इनको यार तुम मुझे ये क्या पैर पे रखा था तुम बताओ पहले ये बारे में तो बताओ जरा। सबूत सैलन पहले अच्छी लहंगा ले पहले अच्छी तो मैं सोचा मैं कि अलग तो दूसरी मैं जब पहन यहाँ पे लोग अभी मोमोज भी लाए और यहाँ पे हम कुछ समोसे भी लेके आ रहे थे। समोसे है समोसे और मोमोज और पानी सारे इंतजाम करते हुए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए और यहाँ पे अभी चल रहे प्रोग्राम। Hey